बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर पर ग्रामीण तहसील पत्रकार संघ एवं प्रेस क्लब के सदस्यों के साथ 151 किलो फरियाली खिचड़ी का भोग लगाकर प्रसादी का वितरण किया है। ग्रामीण पत्रकार संघ अध्यक्ष पोपट सिंह राठौर पप्पी बन्ना ने हमारे संवाददाता से क्या कुछ कहा, आप भी देखिए यह खास रिपोर्ट। बदनावर से लोधा शिवशंकर रंगनोदिया की रिपोर्ट। जो आज आपने शाही शंकर सवारी के दिन 151 किलो प्रसादी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज सभी शिवभक्तों द्वारा ग्रामीण तहसील पत्रकार संघ के सभी पत्रकार साथी, बदनावर नगर के पत्रकार साथी सभी ने मिलकर बाबा वैद्यनाथ को 151 किलो प्रसादी का भोग लगाया है। और आज सोमती अमावस के दिन सारी मातृशक्तियाँ बच्चे सभी यहाँ मंदिर पर दर्शन करने के लिए अमृत रूपी इस प्रसादी को ग्रहण करने के लिए पधारेंगे। इस प्रसादी का भोग सभी पत्रकार साथी को लगाएंगे। सवारी देखी है, ये आम लोग का 15 दिन पहले समापन हो जाता है। चूँकि ये मराठा साम्राज्य रहा है, होलकर और सिंधिया परिवार इसमें 15 दिन पीछे चलता है, इसलिए सोमवार का विशेष महत्व रहता है। शाही सवारी उज्जैन बदनावर का शाही पर्व रहता है। इस पर्व पर ग्रामीण पत्रकार संघ की ओर से 151 किलो प्रसादी का वितरण किया गया, इसमें सभी का सहयोग। आपका नाम? रमेश चंद भगैया। श्री बैजनाथ महादेव मंदिर पर आज पत्रकार साथियों ने आदरणीय मोहन सिंह जी राठौर पप्पी बन्ना ने और पूरे संगठन के द्वारा बाबा बैजनाथ महादेव को हरियाली खिचड़ी का भोग लगाया है। और तहसील पत्रकार संघ प्रेस क्लब पटनावर लगातार धार्मिक आयोजन नगर में करता आ रहा है। और इसी प्रकार धर्म की गंगा प्रवाह लगातार। आपका नाम? धर्मेंद्र अग्निहोत्री, प्रेस क्लब अध्यक्ष पटना। श्रावण मास एवं भाद्र मास में प्रति माह आप बाबा बैजनाथ महादेव के दर्शन के लिए आते हैं, क्या लगता है आपको, क्या महिमा है बाबा बैजनाथ महादेव की? बाबा बैजनाथ महादेव की असीम कृपा है। हम राजगढ़ नगर से लगभग 15 से 20 वर्षों से उज्जैन शाही सवारी में बाबा के वहाँ जाते हैं। उसके पहले बैजनाथ महादेव में रुककर बाबा का अभिषेक कर राजगढ़ नगर की ओर से हाजिरी लगाकर जाते हैं। बाबा का असीम प्रेम है, असीम स्नेह है और बदनावर नगरवासियों का स्नेह हमेशा मिलता रहता है। और जो व्यवस्थाएं यहां नगर के द्वारा की जाती है वो बहुत अतुलनीय है। बाबा का आशीर्वाद सब पर ऐसा ही बना रहे। आज भादव मास के आखिरी अंतिम शाही सवारी है, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। बाबा का आशीर्वाद सदा बना रहे। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।